नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम योगिक सूक्ष्म व्यायामों में से अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ष्म व्यायाम सीखने वाले हैं और इस सूक्ष्म व्यायाम के इतने लाभ हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और इस सूक्ष्म व्यायाम का नाम है कपोल शक्ति विकासक क्रिया। तो हम आज सीखेंगे कि कपोल शक्ति विकासक क्रिया आपको किस प्रकार से करनी है और इसके क्या लाभ हैं। अगर हमें लाभ की बात करो तो जिनके भी गाल पिचके हुए हैं उनमें फायदा करेगा। जिनको भी अपने चेहरे को सुंदर बनाना है, चमकीला बनाना है, चेहरे पर ग्लो लाना है, उनको ये बहुत फायदा करेगा। जिनको भी दांतों से संबंधित समस्या है उनको फायदा करेगा। मसूड़े कमजोर हो गए हो, मुंह से दुर्गंध आती हो, उनको भी फायदा करेगा। इनडाइजेशन की समस्या हो, उनको भी फायदा करेगा। गले से संबंधित समस्या हो, सर्दी जुकाम बार बार होता हो, साइनस की प्रॉब्लम हो, उनको भी फायदा करेगा। नींद जिसको अच्छी नहीं आती हो, उनको भी फायदा करेगा। अगर मैं एक भाषा में बोलूं तो यहाँ से ऊपर की जितनी भी समस्या है उसमें भी फायदा करेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो समस्या है उसमें भी ये क्रिया फायदा करेगी। तो इतनी लाभदायक क्रिया है, तो चलिए सीखते हैं इसको किस प्रकार से करना है। कानों से संबंधित समस्या में भी ये फायदा करेगी। बहुत सिंपल है, आपको अपने दोनों पैरों को पूरी तरह से जोड़ के रखना है। पैरों से लेके कंधों तक का जो भाग है शरीर का एकदम सीधा रहेगा। पहले मैं बताता हूँ फिर करके दिखाता हूँ। सीधा रहेगा पूरा भाग। आपको अपने दोनों हाथों की जो उंगलियाँ हैं उनको आपस में इस प्रकार से जोड़ देना है और इस प्रकार से जोड़ने के बाद आपको दोनों अंगूठों से अपने दोनों नासिका मार्ग को बंद कर देना है। और बंद करने के बाद जैसे कौवे की चोंच की तरह ऐसे मुंह से चोंच बनाकर बलपूर्वक सांस को अंदर भरना है और अंदर ही सांस को निगलते जाना है। पूरी तरह से जब सांस अंदर भरी जाए उसके बाद मुंह को बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे। ये आंखों से संबंधित समस्या में भी बहुत लाभदायक है। आंखें बंद करेंगे और जालंधर बंद लगाएंगे, यानी कि जो हमारी ये चिन्ह है जिसको नीचे की तरफ दबा के रखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे ढीला खड़े होकर ऐसे दबाते हैं, गर्दन को ज़्यादा झुकाते हैं, ऐसे नहीं। थोड़ी सी चेस्ट आपकी फुली हुई और इस तरह से मैं आपको करके दिखाता हूँ। उंगलियों को इस प्रकार से जोड़ना है और नासिका छिद्रों को बंद करते हुए एक बार फिर समझ लीजिए। आपके जो है उंगलियां आपस में ऐसे जुड़ी हुई रहेगी। अंगूठों से नासिका छिद्रों को बंद करना है, मुंह से यथाशक्ति सांस को अंदर भरना है। उस सांस को अंदर भरने के बाद मुंह बंद करना है, गालों को पूरी तरह से फुलाना है इस तरह से फुलाना है। उसके बाद अपनी आंखें बंद करनी है। इस प्रकार से आपका जालंधर बंद लगेगा, आंखें उस समय बंद रहेगी। ऐसे जब नासिकाओं को हम बंद करते हैं तो लास्ट तक ऐसे बंद ही रखिए। बस मैं आपको दिखाने के लिए वैसे दिखा रहा हूँ कि गालों को फुला के ऐसे। उसके बाद जब आप कुंभक आपका हो जाएगा, जब आप सांस को रोक नहीं पाओगे, तो पहले गर्दन को सीधा कर लीजिए, फिर हाथों को हटा दीजिए, अपनी आंखें खोलिए और दोनों नाकों से नथुनों से सांस को जो है वो बाहर निकाल दीजिए। बहुत सिंपल है। इसका अभ्यास आपको 20-25 बार नहीं करना, स्टार्टिंग में सिर्फ 5 बार करना है और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। 10-12 बार तक भी पहुंच गए तब भी काफ़ी है, बहुत लाभदायक क्रिया है ये। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी कपोल शक्ति विकासक क्रिया के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।